नमस्कार, मैं मनीषा झा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। हम आजकल के अव्यवस्थित खान पान के स्तर पर नजर डालते हैं तो खुद को बहुत सारी असाध्य बीमारियों से घिरा पाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से किडनी संबंधित बीमारियां हैं। इनके इलाज पर मेडिकल साइंस भी असहाय नजर आता है। आज विशेष रूप से किडनी फेलियर, किडनी स्टोन, यूरिक एसिड और किडनी से संबंधित अन्य गंभीर और असाध्य बीमारियों और उसके इलाज पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल ड्रिंक्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के इन्वेंटर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी श्री एसएम राजू जी। इन प्रोडक्ट्स का पहला सफल प्रयोग इन्होंने अपने पिताजी पर किया, जो कि किडनी फेलियर की समस्या से जूझ रहे थे और डायलिसिस पर थे। उन्हें किडनी फेलियर जैसे जटिल रोग से अपने उत्पादों के इस्तेमाल से मुक्त करवाया। हम सभी जानते हैं कि किडनी प्रॉब्लम्स के लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और उस पर भी इस रोग से मुक्त होने का दावा मेडिकल साइंस नहीं करता। ऐसी स्थिति में मेडिकल ड्रिंक्स के प्रोडक्ट्स एक नई उम्मीद की किरण लेकर आए हैं। तो आइए हम मेडिकल ड्रिंक्स के अब तक की जर्नी पर एक नजर डालते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ पद पर कार्यरत रहते हुए श्री एस एम राजू जी ने लगभग 30 वर्षों तक शोध करने के बाद मेडिकल ड्रिंक्स आयुर्वेदिक हर्बल औषधियों की खोज की है। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इन दवाओं की खोज भी इसी प्रकार हुई। लंबे समय तक र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस से जूझने के बाद साल 1991 में सर ने आयुर्वेदिक दवा का फॉर्मूला खोजा। साल 2008 में पिताजी के किडनी फेलियर की समस्या और लगातार डायलिसिस की जरूरत पड़ने लगी। ऐसे विषम हालात में राजू जी की बनाई दवा का प्रयोग पूर्णतः सफल रहा। उसके बाद साल 2010 में बेटे को एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हुआ, तो उस समय भी एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ इस आयुर्वेदिक हर्बल औषधि का भी प्रयोग सफल साबित हुआ। अपने परिवार के सदस्यों पर सफल इलाज करने के बाद श्री राजू जी ने ये हर्बल दवाएं अपने मित्रों और नजदीकी लोगों को भी दी और इन दवाओं का प्रयोग सफल रहा। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और बड़े बड़े उद्योगपतियों और प्रशासनिक अधिकारी भी बीमारियों के इलाज के लिए इस आयुर्वेदिक दवा के इस्तेमाल से लाभान्वित हो चुके हैं। कई सफल प्रयोगों के बाद राजू सर ने आम जनता को भी इन हर्बल दवाओं के उपयोग से स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का निश्चय किया, जिसके बाद भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार के सौजन्य से इन हर्बल दवाओं के उत्पाद को आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया जा सका। इस आयुर्वेदिक हर्बल औषधि को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक और माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपालन श्री गिरिराज सिंह जी भी इन औषधियों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं। मेडिकल ड्रिंक्स आयुर्वेदिक दवाओं का उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री आयुष मंत्रालय भारत सरकार श्री श्रीपद येसो नाइक के कर कमलों द्वारा 11 अक्टूबर 2016 से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन श्री गिरिराज सिंह जी भी उपस्थित रहे। इस आयुर्वेदिक हर्बल औषधि का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार के बाहरी सिंथेटिक मेटल या केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। ये आयुर्वेदिक हर्बल औषधि पूर्णतः जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से तैयार की गई है। इन जड़ी बूटियों को FSSAI के द्वारा स्वास्थ्य पूरक यानी हर्बल हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। नमस्कार टू एवरीबॉडी एंड वेरी वार्म वेलकम टू लॉन्चिंग सेलिब्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मालूर फ्लोरा एंड हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड। दिस प्रोडक्ट हैव बीन invented by Sri S.M. Rajuji, an IAS officer himself, based on the fundamentals of Vedic literature and is a product promoting wellness. I appreciate the effort of Sri Mr. Raju and Muller Florayan Hospitality Private Limited to launch this wide-ranging product at the right time for the wellness and benefit of the people. The fact that 50% of the profit will be spent on the education of the rural poor children in Gurukula ashram system reinforces his dedication towards the betterment of the society. इस मेडिकल और जो भी दवा इन्होंने जो भी प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च किया है उसके पीछे है
इनके पिताजी, जिनके कारण ये अपनी भक्ति और श्रद्धा के कारण आज इन्होंने यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, मैंने भी इनकी दवा उपयोग में लाया और आज मैं आपके सामने जरीना जी 5 तल्ले तक जा रही हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ 6 तल्ले तक पहुँचे। तो आज पहली बार मैंने देखा कि ये लॉन्च कर रहे हैं पेशेंट के साथ, ये कोई बड़े हस्ती के साथ, अब विभाग के मंत्री हैं वो भी इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इनके दवा से प्रभावित रहे हैं, वो बोलेंगे अपनी बात। तो ये एक बहुत सुखद अवसर है और इस सुखद अवसर में मैं फिर कामना करता हूं कि एक ऐसा अधिकारी जिसमें सचमुच में इन्होंने कहा, मैं भी उस समय बिहार सरकार में मंत्री था और मैं जिस जिले का प्रभारी मंत्री था, कमाल कर दिया प्लांटेशन में। और मैं पीछे कई जगह कहता था कि देखो भाई अधिकारी हो तो ऐसा, जिस चीज को मैंने कहा कि आयुष भारत का यूएसपी होगा और वो उस यूएसपी को आगे बढ़ाने में डॉक्टर राजू कह दूं क्या हर्ज है, ऑफिशियली कर सकते हैं सर सिटी में, मतलब आईएससी ना, इंडियन आयुर्वेदिक सर्विसेज। क्योंकि इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ ऐसे पेशेंट को डैश पर जमा किया, कोई हो या ना हो, 2-4 पेशेंट तो हो ही गए, राजेंद्र बाबू, आदित्य जी, उनकी वाइफ, हम 4 पेशेंट तो यहाँ सामने खड़े। नमस्कार राजू सर, हमारे आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। जैसा कि हम जानते हैं कि आप आईएएस सर्विसेज में कार्यरत थे और मेडिकल फील्ड से भी कनेक्ट नहीं है, तो आपको मेडिकल ड्रिंक्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की रिसर्च की जरूरत क्यों और कैसे महसूस हुई? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो मैं आपको बताएंगे कि आप हिस्ट्री देखे तो लियोनार्डो डा विंची जो 15th century में था, अभी वो सर्जन भी था जी, स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी था, द पेंटर भी था, एंड वो कभी कभी इंट्यूशंस जो है आदमी को ऐसा बना देता है। सो इन माय लाइफ ये क्या है, नेसेसिटी हुआ, वो भी हमारा पिताजी अमी बड़ा सन है, ही वॉज लाइक ए फ्रेंड, उनको एंटायर वर्ल्ड भी घुमाया है और कहाँ कहाँ में पोस्टेड थे, मैं वो ले जाते थे हमारा पिताजी और मदर को। सो जब इनको अक्यूट रीनल फेल्यूर हुआ जी, डॉक्टर्स कहा ये अनदर 4-5 साल ही जिंदा रहेगा, क्योंकि उस समय पर 76 था, या डायलिसिस रहे तो भी उतना साल एंड या किडनी ट्रांसप्लांट रहे तो उतना ही साल, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट उन लोगों को कहा कि एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा देना पड़ता है, सो उससे प्रॉब्लम और ज्यादा होगा ऐसा। देन हम सोचे कैसा हमारा पिताजी को उधर से मुक्त करना है, मतलब डायलिसिस से। सो इट इज लाइक यू नो चैलेंज, क्योंकि हर परिवार में जो भी किडनी प्रॉब्लम होता है, उनका लड़का है या बाप है या लड़की है या माँ है, लेकिन आई डोंट नो अननोन फोर्स जो हम लोगों को कहता है गॉड, सो हमको फोर्स किया उनको बचाने के लिए। सो उसका वजह से नाउ एंटायर वर्ल्ड एंजॉय कर रहा है, इट इज नॉट ओनली किडनी, उसके अलावा हार्ट जो भी हो, सारे ऑर्गन्स को रीजनरेट करने का साइंस भगवान हमको वो दे दिया जी, सेल रीजनरेशन थेरेपी का सिद्धांत ही हमको दे दिया। आज मैं अथॉरिटेटिवली कहता हूं कि जो भी किडनी पेशेंट्स हो, चिंता करने का जरूरत नहीं,
लेकिन मुंह ठीक रखना है, मतलब क्या खाना नहीं खाना वो इम्पोर्टेंट है जी। सो निश्चित रूप से उन लोगों उधर से मुक्त हो सकता है बिल्कुल। और जैसा दूसरा, कि दूसरा भी मैं आपको बताऊंगा कि हम बाई चांस एलोपैथिक डॉक्टर है तो आयुर्वेदिक को मैं एक्सेप्ट नहीं करते थे जी। सो आयुर्वेदिक रहे तो एलोपैथिक को मैं एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये दोनों नहीं रहने की वजह से वेरी न्यूट्रल वे एलोपैथिक प्रिंसिपल्स को लिया, जो हमारा पिताजी को दवा देता था और सारे चीज, उसका जगह में आयुर्वेदिक का मेडिसिन को रिप्लेस किया एंड गॉड्स ग्रेस सक्सेस हो गया। सो ये जो है ये सक्सेस सिर्फ हमारा पिताजी के लिए नहीं, उसको जब हमें ट्रायल कर रहे थे, सो ट्रायल करने के समय पर हमारा भाई बहन भी सिविल सर्वेंट्स थे, उन लोगों का कि ऑलरेडी ये फर्स्ट फेज में वो किडनी डायलिसिस से पार हो गया है, अगेन एनीवे दवा लेकर के संभव मैनेजर उससे भी मैं आप क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहा है सर जी। तो मैं यही सोचे कि ये पिताजी हमारा जो पिताजी को ठीक करे तो वर्ल्ड का कितना माताजी पिताजी को ठीक कर सकता हूँ। सो इसी का वजह से ये सक्सेस हो गया। सो आज मतलब आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन कि वर्ल्ड के लिए कुछ नया दिए ग्लोमरुलस कैपिलरी फिल्टर्स, एक बार डैमेज हुआ तो अगेन वो ठीक नहीं होता है, ऐसा मेडिकल साइंस कहता है, लेकिन हम विजिबली इन ब्लड पैरामीटर्स में दिखा सकता हूं कि जीएफआर रेट कैसा इंक्रीज हो सकता है जी। डाउन हुआ तो इंक्रीज नहीं होगा, इस तरफ से इन्वेंट हुआ। और इसको क्यों है, आई शुड बी इंडेटेड टू डॉक्टर डीसी कटोस साहब, वो हमको टेक्निकल गाइडेंस नहीं लिए तो स्टैट्यूटरी अप्रूवल नहीं हो रहा था। सिमिलरली आई शुड बी इंडेटेड टू डॉक्टर हरुण कुमार ठाकुर साहब, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट नालंदा मेडिकल कॉलेज में, उसी तरफ से मैं आई एम इंडेटेड टू ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष श्रीपाद नायक एसओ सर एंड ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री डायरी एंड फिशरीज एंड ऑनरेबल जजेस चीफ जस्टिस एस एस जावर, ये सब लोगों पब्लिक को लाने के लिए हमको कहा था। सो थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए फंडिंग किया हमारा 20-22 साल कोरोना कंपनी को, इसलिए आज ये प्रोडक्ट रिसर्च होकर के पब्लिक में आए जी। और जैसा कि हम सुनते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज का कोई सफल इलाज उपलब्ध नहीं है और डायलिसिस पर जाने के बाद दोबारा रिकवरी नहीं होती, तो इसके बारे में आप हमें और क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैं इसमें एक वर्ड यूज करके अथॉरिटेटिवली कहता हूँ, मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत इसका बारे में चर्चा नहीं किया गया, क्योंकि हम लोगों सर्टन लिस्ट दिया गया है, लिस्ट के अनुसार क्यूर शब्द और इन्वेंशन शब्द सॉरी रिलीफ प्रिवेंशन शब्द यूज नहीं करने के लिए, लेकिन लकीली किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में नहीं लिखा है। सो इसलिए मैं हमारा आयुर्वेदिक का पावर को मैं बता दूंगा कि जो भी आदमी सफर कर रहा है किडनी डिजीज से, 17% है पॉपुलेशन का, उसमें 30% फिफ्थ स्टेज का फिफ्थ स्टेज का बीमारी का है। सो उसका ट्रांसप्लांट के अलावा कुछ भी नहीं, लाइफ लॉन्ग ये करना पड़ेगा, मतलब डायलिसिस। और उन लोगों को मैं कहूंगा चिंता करने की जरूरत नहीं, इसमें मैं तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करता हूं किडनी डिजीज में। एक कैटेगरी क्रिएटिनिन इंक्रीज हो रहा है, ऑलरेडी डॉक्टर्स कह रहा है कि आपका इंक्रीज हो रहा है, कम नहीं आएगा, किडनी एक तैयार कर दो किसी से और पिस्तूला लगा दो, सो डायलिसिस कभी भी आप जा सकते हैं इत्यादि। उन लोगों थोड़ा मुंह को कंट्रोल करे तो, क्या खाना नहीं खाना और हमारा प्रोटोकॉल उसको फॉलो करे तो ऑटोमेटिकली क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाता है। लेकिन हाथ मां से उन लोगों को बोलना है मैं 100% हमारा प्रोटोकॉल को फॉलो किया। इसलिए ये भी मैं कहता हूं किडनी बीमारी सडनली नहीं मराता है लाइक अदर बीमारी, और जिंदा भी नहीं छोड़ता है
ये सारे परिवार को साइकोलॉजिकली फाइनेंशियली मार करके देन इनको धीरे धीरे टॉर्चर देकर के मारता है। सो इसीलिए थोड़ा इन लोगों डाइट कंट्रोल करके प्रॉपर वे ये करे तो निश्चित रूप से उस नरक से बाहर आ सकता है। सेकेंड कैटेगरी में बताऊंगा फ्रेश डायलिसिस। फ्रेश डायलिसिस वाला अप टू 4 इयर्स हम देखा है कि प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करे तो निश्चित रूप से उन लोगों डायलिसिस से पार हो जाता है। सो थर्ड कैटेगरी मोर देन 4 इयर्स 10 इयर्स जो है उन लोगों को स्थिति आप सुने तो उन लोगों रोज मर रहा है, रोज भगवान को ये कर रहा है कि कब हमको ऊपर ले जाएगा, मतलब उसको नींद नहीं आता है, बॉडी सोरिंग है, पीछे बीपी वेरिएशन से एंड बॉडी इज लाइक यू नो टोटली इम्पोर्टेंट डेड वुड जैसे हो जाता है, इम्पोर्टेंसी वो भी हो जाता है। एंड उन लोगों को मिरेकल ड्रिंक्स के साथ साथ डाइट प्रोटोकॉल वगैरह फॉलो करे तो और जिंदा रहेंगे, और जिंदा रह करके समाज सेवा करेंगे, प्रोडक्टिव काम करेंगे, ऐसा होता है। सो इस तरफ से ये हमारा आयुर्वेदा है। सो ये टोटली एलेन मैकेनोवा 1904 का जो प्रोबायोटिक में थियरी का जो उनका ये आया था नोबेल प्राइज, और उनका थियरी प्रीबायोटिक थियरी, और उसके बाद में डॉक्टर जोना बडविक का बडविक थियरी, ये ले करके सेल डिटॉक्स करना थ्रू आवर आयुर्वेदा प्रोबेबली, देन वो जो पेट में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है उसको प्रीबायोटिक रूप में ये हमारा हर्बल दवा जो आयुर्वेदिक ये करना, और उसके बाद में वो जो प्रकृति से हमको आहार मिला है उस आहार से सो हार्मोन्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन उसको हर सेल को मतलब पंप कराना और सेल को डिटॉक्स करना, यही प्रिंसिपल से इसमें। सो सेल उसका ग्रुप ऑफ सेल्स आर टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूस ऑर्गन्स, अभी ये किडनी ऑर्गन है। सो ये जो है एंटायर वर्ल्ड को क्रांति लाएगा, बिकॉज वर्ल्ड में अभी कुछ नहीं। और स्मॉल एग्जाम्पल कहते हैं बताएंगे, एक लेडी 5 डेज डायलिसिस में रहती थी, उनका सन यूके में जो सम मेडिकल कॉलेज किंग्स मेडिकल कॉलेज लगता है कि उधर वो फैकल्टी मेंबर है, वो बोल दिया इनको परिवार को डायलिसिस नहीं करना, ऐसे ही मतलब यू नो विदाउट पेन उसको जो छोड़ दीजिए मरने के लिए ऐसा। अल्टीमेटली उनका सन इन ला हमारा प्रोटोकॉल मालूम था, सो उसको फॉलो किया, एंड यू कैन नॉट बिलीव आई एम हैविंग टेस्टिमोनियल्स एंड एवरीथिंग ऑल डॉक्यूमेंटेशंस। विद इन 2.5 to 3 मंथ्स 5 डायलिसिस में रहने वाला लेडी 60+ मुक्त हो गई, एंड अभी शी इज टोटली इंडिपेंडेंट लेडी जी। सो इतना पावरफुल वे ये काम करता है। आपकी अपनी रिसर्च के अनुसार किडनी पेशेंट को क्या बेस्ट डाइट लेनी चाहिए और कैसे कोई किडनी प्रॉब्लम से खुद को बचा सकता है? मैं आपको बताऊं, जो भी डॉक्टर्स कहता है एंड उसका जो है डाइटिशियंस, सो उसको फॉलो करने का जगह ऑलमोस्ट हमारा वही है, एलोपैथिक प्रिंसिपल्स में ही है। हमारा डाइट फॉलो करे तो सो उनको ऐसा रिलीफ मिलेगा, ऐसा एनर्जी मिलेगा, यू कैन नॉट इमेजिन। सो इसमें क्या है कि मैं नंबर 1 ऑयल्स फैट्स को मैं स्ट्राइट अवे कहता हूं, वो जहर है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द ये सीकेडी पेशेंट्स। सेकेंडली मोर देन 5 ग्राम सॉल्ट जहर है, मोर देन 1 लीटर वाटर जहर है। सो इत्यादि सारे डिटेल्स है, सो ऑटोमेटिकली हमारा कंसल्टेंट्स वो देता है। सो इसलिए दिमाग में रखना है जो मैं डिफाइन किया है, एंड उसमें भी उन लोगों मतलब
एक है जो वीट एंड मूंग दाल का सूप और दूसरा फिश बेक्ड फिश, वो लिए तो और फास्ट होता है। जो वेजिटेरियंस है वो उसको नहीं लिए तो फिश को एटलीस्ट मूंग दाल और वीट का सूप और मशरूम जो डायुरेटिक अर्थ जो किया है वो रहा है उसमें लिए तो मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आता है। बिल्कुल। और क्या यूरिक एसिड स्टोन जैसी समस्याओं के लिए भी मेडिकल ड्रिंक्स में इलाज उपलब्ध है? इसमें वही अगेन मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट के अनुसार आई कैन नॉट से दैट क्यूर वर्ड, तो प्रिवेंटिव भी नहीं यूज कर सकता, उसमें नहीं था इसलिए मैं ये किया। सो हमारा आयुर्वेदिक पावर ऐसा है एंड जो मैं डिफाइन किया है उसका अनुसार लिए तो किडनी स्टोन अप टू 16 mm 3 महीना का अंदर आपका नजर नहीं आएगा आफ्टरवर्ड्स आपका रिपोर्ट्स लिए तो 4 to 5 mm 15 डेज से 20 दिन का अंदर आपका नजर नहीं आएगा। जब वो किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट ले रहा है तो उनका ऑटोमेटिकली शुगर आए तो वो भी नॉर्मल होता है जी। हार्ट का प्रॉब्लम रहे तो चिटमुट वो भी नॉर्मल हो जाता है, लीवर प्रॉब्लम रहे तो चिटमुट वो भी ये होता है जी। तो हमारा आयुर्वेदा जो है एक पर्टिकुलर डिसीज को एलोपैथी जैसा एड्रेस नहीं करता है, ये पूरा बॉडी को एड्रेस करता है। इसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर भी एक आयुर्वेदिक का कुछ कॉन्फ्रेंस में कहा है कुछ समय पहले। सो दिस इज द पावर। सिमिलरली यूरिक एसिड प्रॉब्लम, यूरिक एसिड प्रॉब्लम रहे तो गाउट होता है, जॉइंट पेन आता है, यू कैन नॉट इमेजिन। इन लोगों लाइफ टाइम ज़ाइलोरिक का केमिकली डेवलप्ड मेडिसिन लेता है। सो वो मेडिसिन जो है एडवर्स इफेक्ट ऑस्टियो आर्थराइटिस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी। सो उसको डे वन से ही उसको छोड़ सकता है। सो आर्थो केयर जो हमें डेवलप किया गया है उसको लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, वही बोलेगा कैसा रिलीफ मिलेगा जी। दूसरा प्रोटीन लीकेज, प्रोटीन लीकेज फर्स्ट स्टेज का होता है किडनी फेल्योर का। सो सेम प्रोटोकॉल जो क्रॉनिक किडनी डिजीज का वो लिए तो ऑटोमेटिकली ये जी। एंड दूसरा जो है कि मतलब ये जो किडनी डिफरेंट डिजीजेस में जो है पर्टिकुलरली जो बीपी का वजह से जो किडनी श्रिंकेज हुआ है और वो डायलिसिस में है, श्रिंकेज होने के बाद में डेफिनेटली वापस नहीं आएगा, यही एलोपैथिक साइंस है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। श्रिंकेज हुआ तो भी उसको नॉर्मल हुआ है जो मैं देखा है, एवरीथिंग इज यू नो डॉक्यूमेंट्स जो है एविडेंस बेस्ड, सिर्फ हम मुंह में नहीं बोल रहा हूं। सो एवरीथिंग इज एविडेंस बेस्ड। एंड दूसरा ओनली पॉलीसिस्टिक किडनी में वो जेनेटिकली आता है, मैं अच्छा रिजल्ट्स नहीं देखा है बट स्टिल उन लोगों भी वो लेता है जी। लेकिन अदर देन पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज दूसरा में आई एम टेलिंग यू हमारा मैक्सिमम एलोपैथिक डॉक्टर्स भी ले रहा है। इधर कुछ एक ही कंफ्यूजन है कि कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स कहता है आयुर्वेद नहीं लेना, उसमें मेटल्स वगैरह आता है, लेकिन हमारा इसमें मेटल्स वगैरह कुछ नहीं। बिल्कुल। और क्या गॉल ब्लैडर स्टोन जैसी समस्या के लिए भी मेडिकल ड्रिंक्स में इलाज उपलब्ध है? है, इसमें एक है, हम किसी को भी देता हूँ 4 महीना 5 महीना रिजल्ट्स आता है, लेकिन ये डॉक्टर अखिलेश भारती जी है कोडरमा इन झारखंड में, वो किसी को दिए तो 1-2 महीने में वो डिसअपीयर हो जाता है एंड अच्छा रिजल्ट्स है एंड डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा, लेकिन डाइट फॉलो करना पड़ेगा मैं क्या डिफाइन किया है। और इसमें केला का डंटा का रस मस्ट है, मतलब बनाना टेंडर बनाना का टेंडर शूट्स का मतलब जूस, उसमें थोड़ा लेमन या ये जो बटर मिल्क मिक्स करके। खुद को समस्याओं और बीमारियों से घिरा महसूस करने के पीछे का मुख्य कारण जानकारी का अभाव होना है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए राजू सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर्स पर मिस्ड कॉल करके अपनी समस्याओं के लिए मेडिकल ड्रिंक्स हेल्थ कंसल्टेंट से परामर्श और इलाज की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।